हेलो हाय हाउ डू डू। अभी मारुति वालों ने और टोयोटा वालों ने अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर दिया। मारुति ने ग्रैंड विटारा लॉन्च करी और टोयोटा ने हाई राइडर लॉन्च करी। अब अगर आपको इन दोनों गाड़ी के अंदर कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी लेनी चाहिए, तो भाई उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। देखो दोनों गाड़ियों की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, साथ ही में डायमेंशन फीचर्स और जो परफॉर्मेंस वाले एंगल है वो भी लगभग लगभग सेम है, वहाँ पर भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, अब जिन चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे और आज इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। देखो सबसे पहला डिफरेंस है गाड़ी के लुक्स। दोनों ही गाड़ियाँ थोड़ी डिफरेंट लुक के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। ग्रैंड विटारा जो है वो आपको थोड़ी सी इनकी जो सुजुकी पैटर्न है उसके ऊपर देखने को मिल रही है, और हाई राइडर जो है वो थोड़ी बहुत टोयोटा वाले एंगल से नजर आ रही है आपको। इन दोनों गाड़ियों में आपको जिसके लुक्स पसंद आ रहे हैं आपको उस तरफ जाना चाहिए। विटारा पसंद आ रही है तो भी विटारा लो, हाई राइडर पसंद आ रही है तो हाई राइडर लो। सेम केस आपको मारुति और टोयोटा के साथ में भी नजर आ जाएगा। सुजुकी लेनी है तो सुजुकी लो, अगर आपको इनकी सर्विस पसंद आ रही है। वैसे ये वाली नेक्सा शोरूम के साथ में आ रही है तो सर्विस अच्छी होगी इनकी। अगर आपको टोयोटा पसंद आता है तो आप टोयोटा लो, टोयोटा की सर्विस तो बेस्ट ही होती है यार। साथ ही में वारंटी वगैरह के अंदर भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मारुति अपनी स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आ रहा है और टोयोटा जो है वो अपनी स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आ रहा है, और दोनों की वारंटी में जमीन आसमान का फर्क है, पता है। अब एक और फैक्टर आता है लोकेलिटी का। देखो अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हो जहां पर आपके लिए टोयोटा का शोरूम थोड़ा दूर पड़ेगा, क्योंकि टोयोटा के शोरूम इंडिया में इतने ज़्यादा है नहीं, तो भाई आपको मारुति वाली गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि मारुति के शोरूम ज़्यादा वाइड तरह से फैले हुए हैं। इनकी सर्विस भी आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएगी, जबकि टोयोटा की सर्विस आपको बड़े सिटी जो है उन्हीं के अंदर देखने को मिलती है। तो रूरल एरिया के अंदर टोयोटा लेना अभी थोड़ा रहन दो फिर, क्योंकि आपको सर्विस के लिए अपने गांव से शहर तक आना पड़ेगा और उसके बीच का डिफरेंस 250 किलोमीटर भी हो सकता है, जो कि इतना वर्थ इट नहीं लगता। लेकिन आपकी प्रेफरेंस, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली। आप कन्फ्यूजन आती है इनके इंजन ऑप्शंस को लेकर। दोनों ही गाड़ियों में आपको माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। माइल्ड हाइब्रिड आपको सुजुकी का देखने को मिलेगा और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो आपको टोयोटा का देखने को मिलेगा। अब ये वाला इंजन जो है वो इंपोर्टेड है, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी आपको ये माइल्ड हाइब्रिड के मुकाबले में। अब कान खोल के सुनो, अगर आप माइल्ड हाइब्रिड की तरफ देख रहे हो दोनों गाड़ियों के लिए, तो भाई आपको माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में विटारा ब्रेजा, ग्रैंड विटारा को देखना चाहिए, क्योंकि ये इंजन मारुति ने खुद प्रोड्यूस कराया और ये हमेशा से बेचते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको इस इंजन की प्राइस भी कम देखने को मिल जाती है हाई राइडर के मुकाबले में। तो भाई माइल्ड हाइब्रिड के अंदर आपको ये मारुति सुजुकी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाइब्रिड इंजन की तरफ जाने वाले हो तो भाई आपको टोयोटा प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि ये वाला इंजन इन्होंने खुद ने बनाया है, साथ ही में ये इसकी सर्विस भी अच्छी ऑफर कर देंगे आपको। और एक बात और, ये 50,000 रुपये सस्ता देखने को मिल जाएगा आपको ये विटारा ग्रैंड विटारा के मुकाबले में। भाई ये नाम में बहुत कन्फ्यूजन है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर मैं अगर हाइब्रिड लेना चाहता तो भाई इसको लेता, अगर मैं माइल्ड हाइब्रिड लेना चाहता तो भी इसको ही लेता, क्योंकि मेरे को इसके लुक्स पसंद आ रहे हैं। वैसे ये गाड़ी भी बुरी नहीं है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, और ये ज़्यादा वाइडली फैली हुई है इंडिया में तो यही ज़्यादा दिखेगी देखना। वैसे टोयोटा वाले ज़्यादा डिलीवरी देंगे नहीं इस गाड़ी की, मेरे को पता है। तो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी इस वीडियो की मदद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।